एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड की, ठीक है। उसका क्वेश्चन वन जो है उसमें फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन क्या होता है, मींस आपको जो भी दो सेट्स दिए जाएं या तीन सेट्स दिए जाएं तो आपने उसके जो भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको एक जगह जमा कर देना है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो जैसे नंबर से सीक्वेंस है तो लाजमी आपको नंबर को सीक्वेंस में ही देना है। तो अब बात हो रही है आपकी पार्ट वन में, ए सेट आपको 4-5 दिया गया है और बी सेट आपको 4-6-8-9 दिया गया है। अब इनका यूनियन क्या करना है, ए यूनियन बी, यू लगाते हैं यूनियन के लिए, ठीक है। यूनियन में जमा कर देना है एक तरह से। तो आपने 4 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, 8 लिया और 9 लिया है। उसके बाद इसके बी पार्ट में ए सेट आपको 0-1-2-3-4-5 दिया गया है, बी सेट आपको 2-4-6-8 दिया गया है। अब इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0-1-2-3-4-5-6-8। उसके बाद थ्री पार्ट जो है वो 2-4-6-8-10 दिया गया है, बी पार्ट आपको 0-1-2-3-4-5-6-7-9-10 दिया गया है। तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या बनी है, जीरो से आपने नंबर स्टार्ट किए, सीक्वेंस में लेना है तो 0-1-2-3-4-5-6-7 और उसके बाद 8 हम जो है वो ए सेट से निकालेंगे, ठीक है, और 9 हमारा बी सेट में मौजूद है और 10 लिख दिया। इसके फोर्थ पार्ट में आपको एक्स सेट दे दिया गया है जिसमें आपको 6 प्राइम नंबर्स बोला गया है, प्राइम नंबर्स आपके 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यहाँ तक आपको प्राइम नंबर लेने क्योंकि 6 आपको कहा गया। वाई सेट में आपको कहा गया फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, मीन्स 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 एंड 3, 6, 18, ठीक है। मैंने सेट यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं लेकिन आपको मैंने नंबर्स बता दिए हैं क्या क्या आना है, वाई में क्या आना है और एक्स में क्या आना है। अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपका यूनियन में क्या निकल कर आएगा, बिल्कुल तरतीब से जब आप नंबर लिखेंगे सीक्वेंस में तो 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 एंड 18। उसके बाद आपको फिफ्थ पार्ट में कहा गया डी सेट दे दिया गया, ई सेट दे दिया गया और एफ सेट दे दिया गया और आपसे जो है वो तीनों सेट्स का यूनियन मालूम किया गया। तो पहले हमने डी यूनियन ई कर लिया है तो डी और ई का जो यूनियन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद मैंने एफ सेट लिख दिया है, एफ सेट जो है उसके साथ जब इसका यूनियन करेंगे मीन्स जमा कर रहे हैं तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 एंड 10 निकल कर आया है। इसके सिक्स पार्ट में आपको ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, सी सेट दे दिया गया है। ए सेट में 1, 2, 3 है, बी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, सी में 2, 3 दिया गया है। पहले आपको मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में क्लोज हमारे पास जो ए यूनियन बी है ना, ब्रैकेट में जो चीज़ होती है सबसे पहले उसको मालूम करते हैं। तो ए सेट आपका 1, 2, 3 है, बी आपका एम्प्टी है, तो ए यूनियन बी जो ब्रैकेट के अंदर था वो निकल कर आया जब आपने इसको जमा किया तो 1, 2, 3 निकल कर आया। उसके बाद आपने सी सेट लिख दिया, 2, 3 निकला है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपका क्या निकल कर आया, 1, 2, 3। ए यूनियन बी यूनियन सी आपने कैसे मालूम करना है, पहले ब्रैकेट में जो चीज़ क्लोज होती है यानी कि बी यूनियन सी वो आपने मालूम करना है, ठीक है। बी आपका एम्प्टी सेट है, सी आपका 2 और 3 है। जब आप इसको यूनियन करेंगे, इसको जमा करेंगे तो आपका सिर्फ 2 और 3 आएगा बी यूनियन सी में। उसके बाद ए के साथ आपने इसका यूनियन मालूम करना है, तो ए सेट आपका है 1, 2, 3 और जब आप इसका यूनियन करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी तो आपका निकल कर आएगा 1, 2, 3।